हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की वीडियो में हम सीखेंगे नन्हे बच्चों के लिए बिब और डायपर बनाना। जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से 3, 4, 5 महीने के, इस तरह से ये मैंने एक डायपर बनाया है और एक बिब बनाया है। इस तरह से डायपर ये इस तरह से है, देखिए इसको बच्चों के बांधना, देखिए इस तरह से है। इस तरह के डायपर में बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है और ये मैंने घर पर ही पुरानी तौलिया से बनाया है, जो काफ़ी सॉफ्ट है, जो बच्चों की त्वचा को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। इस तरह से देखिए, ऐसी मेरे पास एक तौलिया थी पुरानी, ये मैंने उसमें से ही कटिंग करके बनाया है। अब देखिए ये बनाना किस तरह से है। सब्सक्राइब कीजिए शारदा डिजाइनिंग पॉइंट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप सभी को पता चल सके। इस तरह से मेरे पास ये तौलिया है और जो ये फटी हुई है उसको मैं कटिंग करके अलग कर दूंगी, जो अच्छी अच्छी है उसी में से हम डायपर और बिब बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने तौलिया और जो इसके ये इस तरह से जो इसके ये सिलाई है उसको भी कटिंग कर देंगे। पहले हम डायपर बनाएंगे जिसकी लंबाई 13 इंच है तौलिया की, और इस तरह से और जो इसकी चौड़ाई, लंबाई तो 13 इंच है, जो इसकी हम चौड़ाई रखेंगे वो 9 इंच रखेंगे। देखिए इस तरह से, और इस तरह से लाइन खींचेंगे और कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से, इस तरह के डायपर आप कॉटन के ही बनाइए, जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं, या बेड शीट जो होती है कॉटन की, उस तरह के कपड़े के भी बना सकते हो। इस तरह से इसको मैंने डबल कर लिया है और इस तरह से मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस तरह से, और फिर इस साइड से 2 इंच का निशान लगाएंगे, 2.5 इंच का, 2 से 2.5 इंच का, इस तरह से। और फिर इस तरह से हम इसको राउंड शेप देंगे। इस तरह से राउंड शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से, इस तरह के जो तौल के डायपर होते हैं उसमें बच्चों को गर्मियों में तो काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। इसलिए आप पुरानी तौलिया से इस तरह से बच्चों के डायपर भी बना सकते हो। इस तरह से मैंने एक कपड़ा और लिया है, इसके ऊपर इस तरह से रखना है और सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से
अब हम इस पर ये पाइपिंग लगाएंगे। जो पाइपिंग की लंबाई है वो 27 इंच है, आप 25 से 27 इंच रखिए, और जो चौड़ाई है वो 3 इंच है इसकी। इस तरह से आप 25 भी ले सकते हो, मैंने 27 इंच रखी। फिर इस तरह से इसको बीच में एक निशान लगाएंगे, और इस तरह से ही जो मैंने ये पट्टी पर निशान लगाया है पाइपिंग पर, इसको बीच में रखेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसमें बच्चों को भी काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी त्वचा बहुत ही नाजुक सी होती है। और गर्मियों में तो ये काफ़ी आराम देते हैं। इस तरह से इस पर सिलाई करेंगे, और इसको जो इसकी लंबाई है वो 5 इंच है, तो इस तरह से हम इसके दो पीस कर लेंगे। तो ये 2.5 इंच के दो पीस हमारे तैयार हो जाएंगे। इनको देखिए इस तरह से आगे की साइड निशान लगाएंगे, इस तरह से। देखिए इस तरह से इसकी दोनों साइडें सिल लेंगे और ऊपर की साइड भी सिल लेंगे। इसको जब इसको सिलाई करेंगे तो देखिए इसमें हल्की सी जगह बना करके इस तरह से तब सिलाई करनी है। इस तरह से ये मैंने लगा ली है। अब देखिए इसको लगाना किस तरह से है बच्चों के, इस तरह से, और इस तरह से इसको थोड़ा टाइट करके बांध देंगे। ये इस तरह से आएगा। अब हम बिब बनाना सीखेंगे। बिब की नाप लेंगे, पहले हमें कितने बड़ा और छोटा बिब बनाना है।
इस तरह से इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी, लंबाई होगी वो 9 इंच होगी और जो चौड़ाई होगी वो 8 इंच होगी। इस तरह से, और इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसको इस तरह से डबल करेंगे। इस तरह से इसकी गले की नाप लेंगे 2 इंच। इस तरह से 2 इंच नीचे निशान लगाएंगे और राउंड शेप देंगे, और इस तरह से इसको राउंड शेप देंगे नीचे की साइड। इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको राउंड शेप देंगे और कटिंग कर देंगे। इसको बनाना भी बहुत आसान है। बिप को बच्चे के गले पर लगाया जाता है, जैसे जब उनको दूध पिलाया जाता है, दूध कपड़ों पर ना गिरे। और इस तरह से ये भी नीचे मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, और इस तरह से सिलाई करेंगे। ये तो बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ होती है। बच्चे अगर 1-1.5 साल के भी हो जाते हैं तो अगर इस तरह से, ये मैंने छोटा बनाया है छोटे बच्चों के लिए, आप इस तरह से बड़े बच्चों के लिए बनाइए, और उनके कपड़े भी गंदे नहीं होते। अगर हम उनको खाना पीना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, फिर इसको इस तरह से राइट साइड कर लेंगे। वैसे तो ये रेडीमेड भी आता है, पर हम इसको घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से अब इस पर लगाने के लिए हम एक राउंड शेप की पाइपिंग लेंगे। इस तरह से इसको आपको राउंड शेप उरेप की पट्टी कहते हैं, जिसको इस तरह की काटनी है, जिसकी लंबाई 18 इंच है और जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। इस तरह से और इसको इस तरह से इसके इस तरह से निशान लगाएंगे 2 इंच पर, बिल्कुल बीच में, एक इस तरह से एक बीच में लगाएंगे। अब ये इस तरह से लेना है और इसके जो गला बनाया था हमने उस पर इस तरह से, जहाँ पर निशान लगाया था मैंने, वहाँ पर इसको रखना है और इस पर लगा देंगे पाइपिंग को। और इस तरह से बैक साइड में मोड़ करके सिलाई करेंगे। जैसे पाइपिंग लगाते हैं उसी तरह करना है। आज जो ये मैंने वीडियो बनाई है, ये दोनों चीज़ें ही बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। इसको इस तरह से आप लॉकडाउन में घर पर बनाइए। अब इस पर मैं इस तरह से, जैसे मैंने डायपर पर ये लूप लगाई थी, इसी तरह से बिप पर भी दोनों साइड में ये लूप लगाएंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा इस तरह से कपड़े को काट देंगे। इस
इसी तरह से दूसरी साइड में लगाएंगे। अब दोनों साइड में लगाने के बाद मैंने सोचा मैं इसको कुछ और डिज़ाइनर बनाऊं, तो इस पर डिज़ाइन मैंने ये इस तरह से, एक मेरे पास एक छोटा सा पीस था लैस का, तो मैंने सोचा मैं इस पर इस तरह से लगाऊं, क्योंकि लैस भी बहुत ही सॉफ्ट है, ये बच्चों इस तरह से ये बच्चों के चुभेगी भी नहीं, काफ़ी सॉफ्ट लैस है ये। इस तरह से आप, अगर आपके पास हो तो आप लगा सकते हो, नहीं तो बिना लैस के भी अच्छा रहेगा। इस तरह से अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरह से आप घर पर बच्चों के लिए कपड़े बना सकते हो छोटे छोटे। अगर भी इस तरह से ये दोनों चीज़ें मैंने बिल्कुल बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं इसलिए बनाई हैं। देखिए, थैंक यू, बाय।